तकरीबन रात 3 बजे तो सवेरे बारिश हो रही थी, तो सानू लग ही नहीं रहा सीगा भी ये जड़ा प्रोग्राम आ साडा मुकम्मल हो सकूगा। पिंड के पतवंते सज्जना ने सानू कहा कि थोनू घबराउण दी लोड़ नहीं, गुरद्वारा सतसंग साहब उत्थे आके तुसी प्रोग्राम करो। पर जो ग्रंथी साहब आए कहिंदे वी हाँ जी अपना जिहड़ा प्रोग्राम हैगा जिथे अपने धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हैगा आपां प्रोग्राम उत्थे करना। दिल नूं खुशी भी बहुत हुई, हैरानी जाणो उदों हुई जदों असीं देखिया कि सारे दा सारा पिंड साडे नाल मोढा ला के खड़ा ते उत्थे गुरद्वारा साहब अंदर इकट्ठ पूरा हो गया, पूरा गुरद्वारा साहब भरिया सी। ऐलान किया भी जो अपना कोई सहयोग देना चाहते दे सकता हैगा इस सांझे काम लई, तो असीं देखिया कि पिंड वालियां च इन्ना उत्साह सी जदों उन्होंने सानू इट्टां दा सीमेंट दा आपदे वल्लों पैसों दा वध चढ़ के उन्होंने सानू दान दिता। तो मैनू नहीं लगता कि सानू हुण 1 साल तो वध टाइम लगूगा मुहम्मदी मस्जिद नू कंप्लीट कर लई। अज तुहाडे नाल जिस वर्तारे बारे सांझ पाउण जा रहे हां इह मोगा दे पिंड पलूर दी बीते कल दी वार्ता है। दरअसल पिंड विच इक मस्जिद दी इमारत दा नींह पत्थर रखण लई मुहम्मद उस्मान लुधियानवी जी ने आउणा सी ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਤੜਕੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭਲੂਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। बिलाखिर मुझ पे ये राज खुला, क्या वो सुनता है क्या नहीं सुनता। वो समीओ बसीर है लेकिन बेअमल की दुआ नहीं सुनता। ये फैसला है दीन फितरत का, फितरत कहने पर नेचर नो, ये फैसला है दीन फितरत का कि बुजदिलों की खुदा नहीं सुनता। पिंड दे गुरुद्वारा साहिब तो सिंह साहिब ने भी इस सारे भाईचारक सांझ दे वर्तारे बारे संगत दे नाल जो सांझ पाई है वो भी जरूर सुनो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास भाई सुखविंदर सिंह सफरी रागी ग्रंथी गुरद्वारा सतसंग साहब भलूर जिला मोगा। बड़ी खुशी हुई सानू क्योंकि सतगुरु पातशाह जी की बाणी के फरमान अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। सो बड़ी खुशी हुई कि साडे नगर भलूर दे विच अज एक मुसलम भाईचारे दे विच अते सिख भाईचारे दे विच बड़ा प्यार देखने मिलिया। जिस तरह मुसलम भाईचारे के स्थान धार्मिक स्थान जो नवी मस्जिद तैयार करने वास्ते मुसलमान वीर के वलों गुरद्वारा साहब के अंदर बैठ के विचार कीतियां गई और गुरद्वारा साहब तो शुरुआत करके तो मुहम्मदी मस्जिद का नींह पत्थर रखा गया। बड़ी सारे नगर के वलों इस गल की खुशी हुई सानू कि साढ़े इस मुसलम भाईचारे अते सिख भाईचारे दे विच अज भी बड़ा ज़्यादा प्यार है। जिस तरह संसार दे अंदर मुसलम अते सिखां नूं लड़ाउण वास्ते अनेकां यतन कीते गए पर सतगुरु पातशाह जी ने जिस तरह 5वें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने साईं मियाँ मीर जी दे कोलों श्री हरिमंदर साहब जी की नींह रखाई, अज इस तरह बड़ा प्यार देखण नूं मिलिया सिख भाईचारे दे विच और मुसलम भाईचारे दे विच बड़ा प्यार मिलिया। जो गुरु घर के शुरुआत की गई मुसलम भाईचारे के वालों गुरु साहब के दरबार के अंदर बैठ के जो पंजाब भर के बड़े व्डे व्डे मस्जिदों तो जिलों तो मुसलम भाईचारे के आगू पहुँचे तो सारे ने अपनी अपनी तकलीफ की अपने अपने विचार दिते और
उस उपरंत गुरु का लंगर भी चलिया गुरद्वारा साहब के विच अते मुहम्मदी मस्जिद का जो नींह पत्थर रख्या गया। मैं मुस्लिम भाईचारे वीर नूं सभनां नूं सिख भाईचारे दे वलों जो इस शुभ अवसर ते उस खुदा दे नवें स्थान दे उत्ते बनाउण वास्ते जो लख लख वधाई दिंदा हाँ, सतगुरु कृपा करन इस तरह सिख भाईचारा ते मुस्लिम भाईचारे दे विच प्यार बनिया रहे जी। सा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते नाल ही मैं सर्व धर्म सांझी गल करां, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अज जिहड़ा समेल देखण नूं मिले ये बड़ा किते किते मिलदा है। मुहम्मदी मस्जिद भलूर दे विच दन्नी पत्थर रखण जा रहे हैं, उस मस्जिद की तमीर करन जा रहे हैं, ते मशवरा सलाह फंड इकट्ठा किथे हो रहा है गुरद्वारा साहब दे विच। किन्नी खुशी की गल है, मुस्लिम फ्रंट पंजाब जो अज हिंदुस्तान पद्धर तक जो संयुक्त किसान मोर्चे वालों किसान संघर्ष चल रहे हैं, उस दे विच मुस्लिम फ्रंट पंजाब ने अपना मोढ़े नाल मोढ़ा ला के चल रहे हैं। मलेरकोट साडा भाईचारा वह नाल चल रहे हैं, उत्थे बकायदा लंगर जिहड़ा चल रहा है। उत्थे मैं एक गल हमेशा कहना हुंदा सी और कहना भी हुंदा कि असी जिथे बाकी नारे लाने उत्थे असी एक नारा खास तौर पर लाइए, क्योंकि 47 का जो असी दुखांत लिखे वह इस वजह करके लिखे है। मैं उत्थे हमेशा ही गल आप नारा लाना, दूजे भी कहना हुंदा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई असी हाँ सारे भाई भाई। मैं फिर दोहरा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई असी हाँ सारे भाई भाई। सो भाईचारा अज साडे किसान संघर्ष ने 47 दे जो वापरिया साडिया धीआं भैणां चले उधर रुइयां जां इधर रुइयां वह सारे असी काम। मैनूं खुशी होई पिछले 30 दिनां दी गल है, पाकिस्तान के चद्दण बकार एक पिंड है, उत्थे एक सिख बीबी उधर रह गई सी ब्याह कुदरती तौर पर, उत्थे एक मौलवी साहब ने उस बीबी नूं रखिया अपनी धी बनाया, उसका पालन पोषण किया, उसका ब्याह किया, वह बेचारे तड़प रहे सी। मेरे को गल आई, मैं एक मैसेज साझा किया, अखीर मैं ज्यादा लंबी गल ना करा, जम्मू के विचों ते लुधियाने के विचों उन्होंने परिवार को लभ के उन्हों का तालमेल करवाया। इस तरह ही जम्मू के विच होर परिवार के नाल असी तालमेल करवाया। सो मुस्लिम फ्रंट पंजाब इस गल नूं हमेशा यह गल लैके चलता है कि वह जिहड़ियां दराड़ां पईआं सी वह जिहड़े जख्म सी असीं एक दूजे दे नाल ऐसा साथ दे के असीं उन्हां जख्मां नूं असीं भर दित्ता। मैं एक गल होर कहना हुंदा, पिछे एक खालसा रेडियो टीवी वालों एक इंटरव्यू दे विच मैनूं पुछण लगे कि तुसीं पंजाब दे विच की महसूस करदे हो। मैं उन्हां नूं इको गल कही सी कि पूरे हिंदुस्तान दे विच अगर मुसलमान धार्मिक आजादी मानते ने तो वह सिर्फ पंजाब है। मैं इस गल का माण है, मैं माण महसूस करदा, फख्र महसूस करदा। इसे करके जिहड़ी साडी इक सांझ है, मैं एक गल होर भी कहना कि असी 10 लाख लोगों की शहादत दे के भी उस वक्त दे विच उन्हां वक्तां दे विच 10 लाख दी लोगों की शहादत दे के भी अज साडा जिहड़ा भाईचारा है वह फिर एक मजबूत भाईचारा है। सर सोजल जी, पहले तो तुहानूं मुबारकां जी, ते दूजी गल ये है भी जिहड़ा अज प्रोग्राम तुसी होया ते बारिश ने काफ़ी परेशानी की है, ते उदू बाद पिंड वालों तुहानूं इन्नी सहयोग दिता गया, ये सारे नूं देखदे हुए तुसी की कहना चाहोगे? सब तो पहला भाई जी मैं धन्यवाद करदा पिंड वासियों का, सरपंच साहब का, पंच साहिबाना का, क्योंकि असल जिहड़े मुबारकबाद के हकदार ने वह साढ़े नगर निवासी ने भलूर दे। सब तो पहला मैं दसना चाहुंदा जी असी 1947 तो बाद भलूर जो साडा जद्दी पिंड है इत्थे असी मुहम्मदी मस्जिद जिहड़ा उहदा अज तो तामीर शुरू करनी सी, पर जिहड़ा रब ने चाहिया कि साडा ओपन विच टेंट लग्या होया सी, तकरीबन रात 3 बजे तो सवेरे बारिश हो रही सी, ते सानू लग ही नहीं रहा सीगा भी ये जिहड़ा प्रोग्राम आ साडा मुकम्मल हो सकूगा। साडे खसूसी मेहमान उस्मान रहमानी लुधियानवी जी जो कि नायब शाही इमाम ने पंजाब दे, वह साडे च पहुँच रहे सी, ते दिल दीआं धड़कणां भी वध रहीआं सी, ते लग नहीं रहा सी कि प्रोग्राम होगा। पर एंड मौके ते पिंड भलूर विखे 6 गुरद्वारा साहब ने, उन्हां विच्चों पिंड दे पतवंते सज्जना ने सानू कहा कि थोनू घबराउण दी लोड़ नहीं, तुसी साडे पिंड दे गुरद्वारा साहब जिहड़े कि गुरद्वारा साहब दा नां हैगा गुरद्वारा सतसंग साहब, उत्थे आके तुसी प्रोग्राम करो।
दिल में खुशी भी बहुत हुई। चलो साड़ी जगह का तो अरेजमेंट हो गया, तो असी जो गुरद्वारा साहब गए तो बाहर लंगर हॉल से बहुत व्डा, सानू तो यह लग रहा शायद भी वो जो लंगर हॉल से सारा प्रोग्राम रखा जाना, पर जो ग्रंथी साहब आए कहते भी हाँ जी अपना जो प्रोग्राम है जिथे अपने धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हैगा आप प्रोग्राम उत्थे करना। दिल में खुशी भी बहुत हुई क्योंकि ये जी एक सांझता का एक निशानी बन रही थी, एक उदाहरण बन रही थी, वो जो प्रोग्राम से अंदर होया हैरानी जाणो उदो ही जो असी देखिया कि सारे का सारा पिंड साढ़े ना मोढ़ा ला के खड़ा, तो उत्थे गुरद्वारा साहब अंदर इकट्ठ पूरा हो गया, पूरा गुरद्वारा साहब भरिया सी, ते इत्थों तक नहीं हल्लाशेरी तो बहुत मिल रही थी, पर जो असी मस्जिद लई पैसे इकट्ठे करते हुंने असी उस गल नूं ऐलान करते हुंने भी जिन्हें भी अपना सहयोग पाउणा क्योंकि धार्मिक जगह है, एक बंदे दे सहयोग नाल नहीं बनती, सारयां दे सहयोग नाल बनती है। तकरीबन मुस्लिम भाईचारा भी बहुत जिलों चों इकट्ठे होए सी, उत्थे आए हुए सीगे, उन्हां दा भी दिल बड़े गदगद हो रहे सी, पर जो असी देखा सी ऐलान किया भी जो अपना कोई सहयोग देना चाहते दे सकता है इस सांझे काम लई, तो असी देखिया कि पिंड वालियां च इन्ना उत्साह सी, जदों उन्होंने सानू इट्टां दा सीमेंट दा आपदे वल्लों पैसों दा वध चढ़ के उन्होंने सानू दान दिता, तो मैनू नहीं लगता कि सानू हुण एक साल तो वध टाइम लगूगा मुहम्मदी मस्जिद नू कंप्लीट करन लई। ते नाल दी नाल मैं बहुत सारा जिहड़ा मुहम्मदी मस्जिद की पूरी टीम है जिहड़ी कमेटी है उन्हां वल्लों मैं धन्नवाद करदा, पिंड निवासियां दा, पंच साहबाना का, सारे गुरद्वारा विच जिहड़ी साध संगत सी उत्थों दे ग्रंथी साहबाना का, नाले खास तौर पर साडे सरपंच साहब का जिन्हां ने अगे लग के ये जिहड़ा सारा प्रोग्राम सी साडे नाल खड़े हो के उन्होंने सारा जिहड़ा प्रोग्राम नूं कंप्लीट कराया। उस तो बाद असी उस्मान जी साडे जिहड़े मुख मेहमान सी साडे विच आए, वह भी इन्ना खुश होए कि उन्होंने अल्लाह ताला नूं सारे निवासियों लई सारे पंजाब लई दुआ की कि जिहड़ा भाईचारा इसे तरह बनिया रहना चाहिए है, तो मैं थोड़ा बस जवाब नहीं दे सकता कि खुश है। जिमें पिंड वालों हर वारी कुछ ना कुछ मुस्लिम भाईचारे लिए किया जाता वा, जिमें कि एक पिछे जो मलेरकोटले भी उन्होंने एक इबादत करने लिए पिंड वाले ने आपकी जगह देती, कोई पैसा नहीं लिता, इदा के लोग जोड़े अगे आते हैं पिंड वाले आते हैं, पर गलत लोग जोड़े आते उन्होंने तुम की कहना चाहोगे? सब तो पहला तो जी साढ़े पंजाब पेल भी बहुत सारिया ऐसा उदाहरण मिली, हालांकि सानू दूजे हिस्सों पंजाब को छड़ के बाकी स्टेटा एडिया व्डिया उदाहरण नहीं मिली, लेकिन यह जरा पंजाब पूरे इंडिया लई पूरे वर्ल्ड लई इह सिख मुसलमान भरावां दी सांझता दा प्रतीक बन रहा है, ते जिहड़े लोग इह नहीं चाहुंदे वी इह जिहड़े हैगे आ लोग सारे जिहड़े धर्मां दे लोग आ इह सांझता लई इकट्ठे होणे अड अड होण, उन्हां लई मैं इक ही मैसेज देना चाहुंदा हैगा कि जिहड़ा आउण वाला टाइम आ इह पढ़े लिखे लोकां दा लोड़ आ, अज कल दे जिहड़े उभर रहे ने जिहड़े नौजवान ने ये उन्हां दा टाइम हैगा, ते उह इन्हां सारियां चीज़ां तों उठ चुके आ ते उभ भी चुके आ, क्योंकि इह जदों आपां किसे दी घृणा इक दूजे विच आपां पाउणे आ ये फिर एक सीमित टाइम तक नहीं रही, आने वाली जनरेशन भी ये पैदा होंगी है, तो हूँ जे यह जो उदाहरण पैदा होंदिया ने उदो आने वाले टाइम जे दिलों के एक दूजे लिए प्यार वो प्यार वधाउंदियां ने, तो जिहड़ियां नफरत ने उन्होंने खत्म कर दियां ने। हाँ जी सर, तुहाडा नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जी अनवर खान आ पिंड भलूर तो, जो असी अज मुहम्मदी मस्जिद इंतजामिया कमेटी वालों एक अज छोटा जा प्रोग्राम का आगाज किया, जो मस्जिद का नींह पत्थर रखा गया, ये असी चंगे पुख्ता प्रबंध किए थे, बारिश आने की वजह ना वो प्रबंध साढ़े मतलब के माने पानी की वजह ना के साडे पुख्ता प्रबंध किए खराब हो गए वो, और साढ़े सिख भाइयों जो इस चीज़ का पता लगे भी साडा प्रोग्राम असी किया, तो इस चीज़ का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एहसास होया, उन्होंने सानू गुरद्वारा साहब लैके गए, सानू गुरद्वारा साहब के लंगर हाल के तो लैके दरबार साहब तक, वो कहिंदे जिथे मर्जी तुसीं अपना प्रोग्राम करो, गुरद्वारा साहब दे लंगर हाल विच लंगर दा मतलब कि इंतजाम किया, और दरबार साहब दे जो साडे मुख मेहमान आए थे मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी, उन्होंने और लिबड़ा जी आए थे उस मुहम्मद सतार लिबड़ा जी, और काफ़ी मतलब कि दूरों दूरों साडे जिहड़े मुख मेहमान से चंगीआं संगतां आईआं जी, मोफर साहब आए थे, इसलिए असी पिंड वासियां दा और मतलब कि जो गुरद्वारा साहब कमेटी का तहत लो धन्नवाद करदे आं, और जो अपना मस्जिद के पुरातन 47 मौके की खूह आ वह भी इंशाल्लाह ताला असी आने वाले दिनों में चालू करांगे, और उसे तो वजू कराया करांगे, उसे जी मोटर पावांगे इंशाल्लाह ताला, आने वाले टाइम जल्दी इंशाल्लाह मस्जिद की तामीर शुरू करांगे। सलाम अलैकुम।